निकालना है इकाई अंक। इकाई अंक का मतलब अगर कोई भी संख्या जैसे मान लो 3, 4, 5, 6 इतना गुना करके आ जाए तो इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब ये रिजल्ट होगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो वही काम इस क्वेश्चन में भी हम करेंगे, इकाई अंक जो भी संख्या आते जाएगा अदर इकाई अंक को छोड़ के उसको छोड़ देंगे, बाकी हम मतलब केवल इकाई अंक से रखेंगे। मान लो इसको गुना कर देंगे 4 × 6, 6 जगह कितना 24, लास्ट में कितना 4, तो 4 × 8 कितना 32, 32 का मतलब लास्ट में कितना 2, 2 × 4 कितना 8, इसका मतलब मेरा इकाई अंक कितना 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीता, 12 मैच हारा और 3 मैच क्या हो गया ड्रॉ हो गया। अब आपको निकालना है हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा। भिन्न का मतलब एक तरह से प्रायिकता हो गया अंश बटे हार के फॉर्मेट में, तो उसका प्रायिकता निकालना है। प्रायिकता का सूत्र होता है NE/NL क्या NL। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप सिंपल वे में समझे, प्रायिकता उसको कहते हैं जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका संख्या ऊपर में और टोटल संख्या का नीचे में। तो आराम से बनाएंगे, बोले तो हारने वाला तो मैच यहाँ हारा कितना 12, टोटल मैच का संख्या कितना 17 दिन कितना 20, इसका मतलब इसका प्रायिकता 12/2 कितना हो गया 20। यदि कटेगा इसको कटाएंगे 4 × 12 = 4/5 कितना 20, मेरा बच गया 3 और नीचे 5, इसका मतलब जिस ऑप्शन में मेरा 3/5 होगा वही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसके मूल वास्तविक और असमान है। तो वास्तविक और असमान कैसे कैसे होता है, मूलों का तीन प्रकृति होता है। जब डी का मान 0 निकल जाए तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक और समान होता है। वास्तविक और क्या होगा समान होगा। वास्तविक और समान का मतलब हो गया इस क्वेश्चन में जो x का मान निकालेंगे अल्फा और बीटा दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। तो जब d का मान 0 हो जाए तो हम अल्फा का मान निकाले तो वही मान किसका आ जाएगा बीटा। दूसरा घटना होगा जब d का मान निकाले हम 0 से क्या आ जाए बड़ा आ जाए, तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा और क्या होगा असमान होगा। तो इस दोनों कंडीशन में वास्तविक है इसमें है समान इसमें असमान। समान का मतलब हो गया अल्फा बीटा का मान सेम और असमान का मतलब हो गया अल्फा का मान कुछ निकलेगा बीटा का मान दूसरा निकलेगा। तीसरा घटना होगा डी का मान 0 से क्या हो जाए छोटा हो जाए काल्पनिक हो जाएगा। हमको बोला तो वास्तविक और असमान होना चाहिए। वास्तविक और असमान का मतलब हो गया कि ये जो समीकरण दिया हुआ है इस चारों का हम डी का मान निकालेंगे और वास्तविक और असमान के लिए शर्त है कि डी का मान 0 से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। इस चारों क्वेश्चन में हम डी का मान निकालेंगे जिसमें डी का मान 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा का मतलब हो गया कि डी का मान निकालेंगे 1 निकले 2 निकले 10 निकले 20 निकले। अगर 0 से बड़ा हो गया तो उसी को क्या बोलेंगे वास्तविक और असमान। तो ये चारों ऑप्शन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे d का मान निकालेंगे। तो d का मान कैसे निकलेगा, तो d का जो सूत्र होता है वो होता है b² - 4ac। तो इस क्वेश्चन में d का मान निकालेंगे यहां a का मान x² के साथ जो अटैच रहेगा वो a, यहां a का मान हो गया कितना 1, b का मान हो गया -2, c का मान कितना हो गया 1। तो b² - 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 4ac, 4 × 1 × 1 तो 4 में 4 गया कितना 0। इसका मतलब इसका जो मान निकाले हम d का मान कितना निकल गया 0 निकल गया। तो ये होगा ये बोला वास्तविक और समान हो गया, लेकिन हमको खोजना पड़े वास्तविक और असमान ही नहीं हुआ। इसी ढंग से इस क्वेश्चन में निकालेंगे, इसका क्वेश्चन में निकालेंगे, इस क्वेश्चन में निकालेंगे, जिसका मान d का मान 0 से बड़ा हो जाए तब हम बोलेंगे वास्तविक और क्या है असमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की क्या कितना संख्या होगा। हम जानते हैं कि 1 से 100 तक में जो है अभाज्य संख्या जो होगा वो अभाज्य संख्या कितना होगा 25 होगा, और 1 से यदि 50 तक काउंट करेंगे तो अभाज्य संख्या होता है 15, और 50 से यदि 100 तक हम संख्या गिनेंगे तो उसमें अभाज्य संख्या कितना होगा 10। अब क्वेश्चन आपको सीधे पूछेगा 1 से 50 तक, हमको काउंट करके नहीं करना सीधे लिख देना कितना 15, और 50 से 100 अभाज्य संख्या पूछेगा कितना 10। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2, 1 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या कितना 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना अभाज्य संख्या 97। तो कितना सब क्वेश्चन आ गया, 1 से यदि 100 तक पूछेगा अभाज्य संख्या 25 सीधे आंसर लिखेंगे, 1 से 50 तक निकालेंगे कितना 15, 50 से 100 तक कितना 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2, 1 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना 7, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना 97। अब जानना हमको जरूरी होगा अभाज्य संख्या किसको कहते हैं,
तो अवाद संख्या उस संख्या को कहते हैं वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड का मतलब होता है जैसे दो है, किसकी संख्या सर एक और दो, जिसको बोलेंगे अवाद संख्या। जैसे तीन हो गया एक और तीन से खा गया, इसको भी अवाद संख्या बोलेंगे। चार का गुणनखंड कौन कौन, एक दो चार, क्या इसको अवाद संख्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। इसीलिए इसका कितना गुणनखंड हो गया, तीन हो गया। वैसा संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो अथवा एक से विभाजित हो और अपने से विभाजित हो वैसी संख्या क्या बोलेंगे, अवाद संख्या। अब इस क्वेश्चन में था 55 से छोटी अवाद संख्या। अब विद्यार्थी निकालना शुरू करेगा दो तीन चार, क्यों निकालना शुरू करेंगे, जब 55 से बोला हम सीधे जानते हैं 1 से 50 तक में कितना 15, केवल हमको 50 से 55 के बीच देख लेना था, उसको जोड़ देते तो 50 से 55 के बीच एक अवाद संख्या केवल कितना 53 था, तो 15 को यहां था एक और अटैच हो गया कितना 16। दी गई संख्या रेखा पर कौन सा भिन्न 6/5 को दर्शाता है। अब विद्यार्थी इस क्वेश्चन को देखेगा और छोड़ के आ जाएगा, जबकि एकदम आसान था। जब 6/5 इसको यदि भाग देंगे 1.2 कितना 2। अब इस कंडीशन में खोजना था 1.2 कहाँ है, यहाँ 1, यहाँ 1.1, 1.2, इसका मतलब क्या मिलेगा आर, जिस ऑप्शन में आर है वही आपका क्या आ गया आंसर। आगे आगे क्वेश्चन है 3.03 और 2.05 के योगफल, इसका मतलब 3.03 और 2.05 का योगफल, योगफल मतलब जोड़, 8 हो गया, 0 हो गया यहाँ कितना 5, और इसके अंतर इसका मतलब 3.03 और 2.05 इसका अंतर का मतलब घाटा, 3 से 5 में घटा का, तो यहाँ एक बाकी इससे ले लिए 13 में 5 गया कितना 8, यहाँ 9 बन गया 9, यहाँ कितना 0, बोला इसको जोड़ दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए घटा दीजिए, जो रिजल्ट हो जाए बोला प्राप्त, इन दोनों को क्या करना जोड़ना है, जोड़ देते हैं 5.08 और 0.98, 8, 8, 16, 9, 1, 10, 5, 1 कितना 6, जिस ऑप्शन में मेरा 6.06 होगा वही होगा क्या आंसर। क्वेश्चन यही बोला था इन दोनों संख्या के योग, मतलब इन दोनों संख्या को जोड़ दीजिए फिर अंतर, तो इसमें इसको घटा दीजिए, बोला दोनों में जो रिजल्ट आएगा वो दोनों को जोड़ के क्या कीजिए हमको बताइए, तो इन दोनों संख्या को जोड़ दिए फिर इसमें इसको घटा दिए, दोनों का जो रिजल्ट आया फिर बोला था इन दोनों को क्या निकाल, जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, हम दोनों को क्या कर दिए जोड़ दिए। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं का मतलब हो गया, परिमेय संख्या का मतलब ठीक ठाक रिजल्ट उसका हो, जैसे 4, 5 ये सब क्या है परिमेय संख्या में, और परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जैसे कोई रूट दे दिया मान लिया √2 दे दिया, इसका यदि रिजल्ट निकाले 1.4, 1.4 खाते चलेगा ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। तो हम यहाँ √3 स्क्वायर जो √4 स्क्वायर इसका रिजल्ट निकालते हैं, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, इसका वर्गमूल है 16 9 25 का मतलब इसका रिजल्ट कितना हो गया 5, ये तो ठीक ठाक दिख रहा है परिमेय संख्या हो गया। 12.9 कितना 9 6, यदि 10.9 का मटा दे 12.96 इसका वर्गमूल होता है कितना 36, यहाँ 2 का अंक के बाद 10.9 रिजल्ट में क्या अंक के बाद 1 अंक के बाद इसका रिजल्ट 3.9 कितना 6, यदि 10.9 उड़ाएंगे तो फिर ठीक ठाक दिखेगा, ये नहीं कि अपरिमेय का मतलब इसको खिलाते जाए खाते चले गए वैसा संख्या क्या बोलेंगे अपरिमेय, इसको एक रोटी खाया था फिर एक बार लिया हो गया तो इसको बोलेंगे क्या अपरिमेय संख्या। इसका यदि निकालेंगे फिर 900 का वर्गमूल कितना 30, तो इसका मतलब √125 क्या आ गया और परिमेय संख्या, यदि इसका गुणनखंड निकालते तो 5 × 5 × 5 होता, इसका निकालते तो 5√5 और ये √5 खुद अपरिमेय संख्या, इसका मान निकालेंगे 2.3 निकलते जाएगा और 5 से गुना करेंगे क्या आ गया अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन है किसी भी दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य है। अच्छा दो क्रमागत वाला सम संख्या लीजिए तो कोई सम संख्या लेता है जैसे 2 2 के बाद कितना 4, बोला इन दोनों में यदि गुना कीजिएगा इसका रिजल्ट कितना होगा 8, तो बोला ये बताइए कौन संख्या से भाग होगा, यदि ई नहीं लिया अगला हम लेते 4 लेते हैं, 4 के बाद कौन संख्या 6, यही सम संख्या 4 से कितना 24, यदि और दूसरा लेते हैं 6 × 8 = 8 कितना 24, इस सब जो संख्या आ रहा है क्वेश्चन बोला बताइए कौन संख्या से सब भाग गया, 8 से 16 से 12 से 6 से, तो 8 से 8 में भाग लगेगा, 8 से 24 में इसमें लग जाएगा मेरा क्या आ गया आंसर 8, अब 16 से भाग लगेगा क्या इससे भाग लगेगा नहीं लगेगा, 12 से लगेगा नहीं, 6 से जो इसमें लग जाएगा इसमें लग जाएगा इसमें लगेगा नहीं, तो बोला वैसा कोई भी संख्या हम क्रम से सम संख्या लें जो कि हर हमेशा कितना से विभाज्य होगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि पी से पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, पॉइंट लेते हैं मान लिया कि वृत्त है, वृत्त में एक पॉइंट क्या है पी है ठीक है, तो बोला इस केंद्र को ओ मान लेते हैं, बोला यहाँ पी है, यहाँ क्या है पी ले लेते हैं, बोला पी ए
पी भी यहाँ से स्पर्श रेखा ले लिया पी ए और यहाँ से क्या ले लिया पी भी, यहाँ पी ए हो गया और यहाँ क्या हो गया पी भी। इसका त्रिज्या ही था या 90 डिग्री पर, मतलब त्रिज्या कितना मान लिए आर। इसको यदि अटैच करके मिलाते हैं तो क्या क्या होगा उसको देखो, बोला ओपी का जो मान है यहाँ ओ और यहाँ क्या पी, ओपी का जो मान है व्यास के बराबर है। अच्छा त्रिज्या आर एक तो व्यास के टू आर, इसका मतलब इतना सा आर, इतना सा क्या टू आर। अब क्वेश्चन बोला था कौन ए पी बी, ए पी बी का मान बताना, इसका मान कैसे निकलेगा। यदि हम एक कोण का निकालते तो आधा ई होगा तो आधा ई भी होगा, तो हमको किसी भी कंडीशन से इसका मान निकालना है। तो कैसे मान निकालेंगे, हम यहाँ देख रहे थे एक समकोण त्रिभुज बन रहा था, रफली हम समकोण त्रिभुज यहाँ बनाते, समकोण त्रिभुज ई भुजा आर था, उसके बाद यहाँ 90 डिग्री था, तो इसको यदि हम पलटा देते हैं या 90 डिग्री के सामने वाला कितना था टू आर, यहाँ 90 डिग्री के सामने यहाँ कितना ले ले यहाँ टू आर ले ले, ई भुजा हमको क्या करना है निकालना है। तो ई भुजा कैसे निकलेगा, समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि ई जो भुजा था ई कर्ण हो गया, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर या आधार का स्क्वायर, टू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर का क्या रूट, टू आर का स्क्वायर फोर आर का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसका मतलब कितना थ्री आर स्क्वायर का रूट हो गया कितना रूट थ्री आर। इसका मतलब था भुजा ने मेरा निकल गया कितना रूट थ्री कितना आर। अब इसको यदि हम थीटा निकाल लेते हैं, थीटा ले लेते हैं, तो ये छोटा वाला का मान मिल जाएगा किसमें ए पी ओ में, हम ए पी ओ में चलते हैं, ए पी ओ में क्या करते हैं यदि हम टेन थीटा लगाते हैं, टेन थीटा से क्या फायदा होगा, टेन थीटा से इसके सामने वाला लंब और ई वाला यहाँ 90 है, इसके सामने वाला कर्ण, तो इसके सामने वाला ई लंब तो ई आधार ई आर हो गया, यहाँ आर बटे कितना रूट थ्री आर, आर आर कैंसिल, इसका मतलब कितना बोला एक वृत्त है यहाँ पी पॉइंट है ई पी और ए खींचा गया है, बोला ई त्रिज्या का मान कितना था आर था। अब बोला था ओपी का जो मान है यहाँ ओ और यहाँ पी का जो मान है ई जो लंबाई है इसका मान बोला था वृत्त के व्यास के बराबर है, जब त्रिज्या आर था तो मेरा व्यास का मान कितना दो टू आर, दुगुना त्रिज्या था तो टू आर में। अब हम देख रहे थे कि समकोण त्रिभुज हो गया कि 90 डिग्री बनता है, इसमें जो कोण बनेगा 90 डिग्री, हम एक समकोण त्रिभुज हो गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना टू आर, 90 डिग्री सामने वाला भुजा टू आर लगे एगो आर की भुजा का मान निकालना। समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं लंब का मान कर्ण स्तर माइनस आधार स्तर या आधार बराबर कर्ण स्तर माइनस लंब स्तर की भुजा का मान निकालिए। फिर इस त्रिभुज में हम चले इसको मान लिया थीटा, तो लंब बटे क्या आधार, वहां थीटा का मान छोटा वाला कितना निकल गया 30 कितना 60, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। क्या क्या बोला, बोला 25 पैसा का सिक्का है, 10 पैसा का सिक्का और 5 पैसा का सिक्का, किस रेशियो में एक अनुपात दो अनुपात कितना 3। अच्छा 25 पैसा वाला एक होता है इसका मतलब क्या पैसा होता 25 पैसा, 10 पैसा वाला दो को कितना होगा 20 पैसा और 5 पैसा वाला तीन को कितना पैसा 15 पैसा। सब पैसा का बात था, यहाँ 25 15 कितना 40, 40 20 कितना 60 पैसा, इसका मतलब यदि एका पर रहता तो टोटल पैसा कितना 60 पैसा। और क्वेश्चन बोला टोटल पैसा रुपया कितना है 30 रुपया, इसको भी यदि चेंज करते रुपया में एक रुपया में कितना पैसा 100 पैसा, इसका मतलब इस 60 का वैल्यू 30 गुना कितना था 110 रुपया चेंज कर दिए, 30 दूनी 60 इस दो कितना बार में 50, एक का वैल्यू कितना 50। अब क्वेश्चन बोला 5 पैसा वाला सिक्का, तो 5 पैसा वाला कितना था 3 के फॉर्मेट में था, तो 3 का फॉर्मेट मतलब कितना 50 गुना 3 कितना 150 आंसर। यदि इसको तरीका से बनाते हम बाय प्रोसेस भी बना सकते थे, कैसे कि बोला x इनटू x कितना क्लियर, तो आराम से बनाते एगो x एगो 2x एगो कितना क्लियर। अब हम क्या तरीका बताएगा, यदि रुपया दिया है हमको रुपया बनाने के लिए 100 करना क्या, जैसे ये 25 पैसा था इसको कितना भाग 4 से, और 10 पैसा था 10 गुणा 110 से भाग, और 5 पैसा था 20 पैसे कितना 1, इस सबको जोड़ के कितना रुपया था 30 रुपया। ये कैलकुलेशन करके इसका मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे और बोला था 5 पैसा, 5 पैसा मतलब कितना 3x के रेशियो में 3x का मान निकालेंगे, जो भी होगा क्या हो जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन है एक तार की गति 16.2/3 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, गति दिया होता 100/48 तो कितना 50/3 मीटर प्रति सेकंड, हमको बोला इसको किसमें बदलिए किलोमीटर प्रति घंटा में, हम जानते हैं कि यदि मीटर प्रति सेकंड में रहे और इसको बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा, तो 18/5 से क्या करते
गुना करते हैं, इसको गुना कर देंगे, 18 बटे कितना 5, 5 गुना 10 50, 3 छक्के 18, 10 छक्के कितना 60, मेरा आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। अगर क्वेश्चन 8 वस्तुओं का क्रम मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि पर दे, इस तरह के क्वेश्चन में हम बताए थे कि क्रय मूल्य का बात रहे तो उसको विक्रय मूल्य ले लेंगे, और विक्रय मूल्य वाला बात क्या ले लेंगे, क्रय मूल्य। इसका मतलब 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसका मतलब यदि इस कंडीशन में विक्रय मूल्य कितना 8, मतलब 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य तो मेरा क्रय मूल्य कितना 10। अब बताओ 8 रुपया में बेचे 10 टका में खरीदे थे क्रय मूल्य, इसका मतलब हानि की फायदा, हानि तो हानि कितना 2, हमको बोला था हानि का प्रतिशत हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, खरीदे थे कितना 10, तो 10 गुना 10 और 10 दूनी कितना बटकर 20% आंसर। अब चलो आगे क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना गुना 2 गुना होता है, तो जितना में कितना होगा 4 गुना। इस ढंग का दो तरह का बता दिया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज में सवाल रहे तो टेबल बनाना है, और यदि साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं करना है, जितना गुना क्वेश्चन पूछा जाए उसमें एक घटा देंगे, तो मतलब 4 गुना का तो 4 में एक घटा दिए, जो समय दिया उसे गुना कर देंगे, और फर्स्ट वाला जो गुनी है उसमें भी घटा के एक कम कर देंगे, इसका मतलब 4 में गया कितना 3 गुना 6, यहाँ 2 में गया कितना 1, तो 6 दिया कितना 18 वर्ष आंसर। क्या क्या काम किए बाद में, जितना जो क्वेश्चन बाद में कितना समय पूछा जाए जितना गुनी होगा उसमें एक कम करके क्या करेंगे टाइम से गुना कर देंगे, या बताए भी थे N1 बटे N1 माइनस N2, N2 माइनस N1 बटे 1 और N1 माइनस N2 बटे 1 बराबर कितना T1 बाय T2, इससे भी बना लें N1 और N2, इससे भी हम सॉल्व करेंगे और क्या रहेगा आंसर आ जाएगा। अगर बाय प्रोसेस में चलना है तो और आराम से बनाएंगे, थोड़ा लेंदी होगा, 6 वर्षों में कितना 2 गुनी, हम मान लेते हैं धन कितना पी, तो बता कितना गुनी आ जाएगा 2p, कितना वर्ष में 6 वर्ष में, इससे r का मान निकाल लेंगे, 10 का मान निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला, जब 10 का मान निकल जाएगा आगे बोला यही पैसा कितना गुना होना चाहिए 4 गुना, तो पी जो पैसा था ये 4 गुनी मतलब कितना होना चाहिए 4p हो जाना चाहिए, तो इससे मतलब बढ़ा कितना 3p, यहाँ मूलधन मालूम, यहाँ ब्याज मालूम कितना 3p, और क्या था यहाँ दर मालूम, क्या टाइम नहीं निकलेगा, टाइम बराबर क्या आता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, यहाँ दर हम निकाले तो वही दर रख देंगे ना। आगे क्वेश्चन है, किस धन का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 5% की दर से कितना हो जाएगा 164 रुपया हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 5%, इसका मतलब 5% को 2 बार लेना है, तो 2 बार लेने का कंडीशन क्या होता है, दोनों को जोड़ के और क्या करेंगे दोनों गुना करके 100 से भाग, तो 5 5 10 प्लस 25 बटे कितना 100, इसका मतलब 10 10 गुना कितना प्रतिशत 10%, साधारण ब्याज जो होता है 5 5 10% होता है, और चक्रवृद्धि ब्याज यही दर बढ़ के कितना गया 10.25, बोला कितना रुपया हो जाना चाहिए 164, कहने का मतलब 10.25% का मतलब कितना 164। क्वेश्चन बोला था किसी धन का, किस धन का मतलब मूलधन निकालना है, इसका मतलब 100% का मान निकालना है, जब 10.25% का मान 164 तो 1% का मान कितना 164 बटे 10.25, और 100% 100 से गुना करेंगे जो भी होगा वही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसको तरीका से बनाना है, आप तरीका से भी बना सकते थे, कैसे तो तरीका से बनाने के लिए करना है कि जो दिया हुआ था बोले 164 रुपया हो जाएगा बढ़ के, आपको सूत्र लिखना है 164 रुपया, हम जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना 1/10/100 माइनस कितना 1 हो जाएगा। अब बोला था क्या क्या कहानी का बोला 164 रुपया हो जाएगा, मतलब मिश्र धन दिया हुआ था, इसमें मिश्र धन का फॉर्मूला लगाएंगे, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन गुना 1/100/100 समय में, सारा चीज दिया हुआ था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ था कितना, चक्रवृद्धि ब्याज दिया था 164 रखेंगे, मूलधन नहीं मालूम है, दर मालूम था, समय मालूम था, इसमें सेव करेंगे और आपका क्या मान निकल जाएगा ठीक का मान, इस तरीके से भी बनाएंगे और आंसर हो जाएगा। इससे भी यदि जल्दी बनाना है तो और आप तरीका से अपना सकते हैं, कैसे उन चीजों को दिखाते हैं कैसे और तरीका से बना सकते हैं, और तरीका बनाने के लिए क्या करना होगा बोला 5% का मतलब हो गया कितना 5/100, इसका मतलब 1 कितना 20, इसका मतलब है कि 20 रुपया बढ़ के कितना रुपया हो रहा है 21 रुपया हो रहा है, और इस सिलसिला क्या बार 2 बार, हम बताए थे इसको
गुना करते 20 गुना 20 करना 400 गुना 4 21 गुना करना 400 मत कहने का मतलब 400 रुपया बढ़ के हो गया कितना 471। अब बोला यही पैसा बढ़ के कितना होना चाहिए 164 रुपया चक्रवृद्धि है। अरे यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज कितना था 41 रुपया। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाते हैं, यहाँ जब चक्रवृद्धि ब्याज मेरा 41 था, सवाल का कितना था 164, 41 का वैल्यू कितना 164, इसका मतलब एक का वैल्यू कितना 4, इसका मतलब हर एक चीज को हम कितना गुना 4 से गुना करेंगे। हम तो धन हम 4 लिए थे, इसको भी 4 से गुना 400 गुना 4 कितना 1600। आपको तीनों तरीका बनाए, जो पसंद है उस ढंग से क्या करें बनाए। आगे चलो, अगर निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो पहला तरीका होगा सबको हम भाग दे देंगे, जो भी होगा वही मेरा क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटा आएगा इसका रिजल्ट वही क्या हो जाएगा आंसर है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम ये हर वाला है सबको हम बराबर करते हैं। जैसे आपको बोला जाए मतलब 1/2 और 3/2, तो दोनों का हर यदि बराबर है, इन दोनों में छोटा कौन, इसका मान निकालते हैं छोटा है संख्या लिए, छोटा संख्या वाले हम देखे इन दोनों के यदि हर बराबर है, हम देखे जिसका अंश छोटा उसका मान कितना छोटा, जिसका मान बड़ा उसका मान क्या बड़ा। तो इसमें भी वही करते हैं, सबका हर बराबर करते हैं। बराबर कैसे होगा, जैसे यहाँ 13 था 26 था, इसका मतलब कि 13 गुना कितना था 2, 13 गुना कितना था 3 था, यहाँ 13 गुना कितना था 4 था, इसका मतलब सब बैलेंसिंग सब बराबर कब होगा। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ 3 4 दिख रहा था, सब बराबर कब होगा जब ये 13 गुना 4, ऐसा करते हैं 13 गुना 4 से इसको यदि हम 3 से गुना कर दिए तो क्या मिला नीचे 13 गुना 4 गुना कितना 3, तो हमें एक्स्ट्रा में क्या किया 3 से गुना, तो यहाँ ऊपर कितना गुना 3। अब यही चीज यहाँ पुराने के लिए क्या कमी है, 13 गुना 3 है, जरूरत किसका है 4 का, तो इसको यदि 4 से गुना करेंगे नीचे वाला सेम हो जाएगा, इसको कितना गुना करना पड़ा 4 से। अब इसको यही चीज पुराने के लिए क्या करें, यहाँ 13 गुना 2 है, यहाँ 13 गुना कितना था 4, इसका मतलब एक 2 चाहिए और क्या चाहिए 3, 2 दिया कितना 6, इसको सेम कर दे नीचे भी 6 से गुना और ऊपर भी कितना 6 से गुना, इसको यदि करते हैं तो 13 ही है तो कितना गुना करना पड़ेगा 12 से, यहाँ कितना थे 12 से। अब हम क्या स्थिति देखें, हम स्थिति देखते हैं कि हर का मान जो है सबका हम क्या कर दिए बराबर, हम बोले थे सबसे छोटा जिसका मान सबसे छोटा होगा वही मेरा क्या होगा सबसे छोटा, तो यहाँ स्थिति 12 गुना 9 कितना 108, यहाँ 16 गुना 6 कितना 102, यहाँ 28 गुना 4 तो 4 8 32 8 9 11 33 दिया कितना 99। आप क्लियर कर सकते हैं इसमें सबसे छोटा कौन 99 वाला, इसका मतलब 33/52 था सबसे क्या था छोटा आंसर। आगे क्वेश्चन है, पी का आर प्लस है इसमें रखना है, जैसे यहाँ 44 था बोला 44 क्यू, तो बोला क्यू का मतलब क्या गुना 9, आर था आर का मतलब क्या था भाग था 12, एस का मतलब बोला था घटा लिखिए 6, क्यू का मतलब क्या था तो गुना था 4, और पी का मतलब क्या था पी का मतलब जोड़ और कितना 16। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व क्या करते हैं सबसे पहले इसका काम क्या करते हैं खत्म कर देते हैं, तो यहाँ था 44 गुना 9 बटे कितना 12, 3 3 9 3 4 12 11 44 इसका मतलब 33 33 माइनस 24 कितना 16 और 16 16 में कितना 25, जिस ऑप्शन में 25 है वही मेरा क्या गया आंसर। आगे चलो, आगे बोला दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द चुनिए, घर है कमरा है विश्व क्या होगा, इसका मतलब घर से क्या आता है ये घर में जाए कमरा काफी कमरा है तो विश्व में क्या होगा जमीन होगा सूर्य होगा हवा होगा क्या होगा राष्ट्र होगा, विश्व में कौन सी काफी राष्ट्र भी क्या बनता है विश्व में बनता है। आगे बोला 42 वर्ष की कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे, क्या बोला बोला 42 बच्चों की एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है, हम लाइन जीत गया रैंकिंग का की पोजीशन जैसे 1 2 3 ऊपर से जो विद्यार्थी नंबर लाएगा ऊपर से और नीचे जो सबसे कम नंबर लाएगा उतना उसको रखेंगे नीचे से, जैसे जैसे नंबर आते जाएगा वैसे वैसे रखते जाएंगे। क्वेश्चन बोला एक कक्षा में भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे, कहने का मतलब आगे तेज कौन विद्यार्थी है भारतीय, तब ना दिव्या से 8 स्थान क्या हो गया आगे हो गया, हम मान लेते हैं कि यहाँ रैंकिंग किसका हो गया भारतीय का, यहाँ रैंकिंग किसका हो गया दिव्या का, बोला दिव्या से 8 स्थान आगे है इसका मतलब इससे ये गैपिंग है क्या स्थान आगे है आगे 8 स्थान आगे, बोला जो कक्षा में 26वीं है यहाँ जो का मतलब है जो जस्ट बगल में उसी का रैंकिंग दिया हुआ, इसका मतलब दिव्या कितना नंबर में था 26 नंबर में था। अब बोला भारती का अंतिम स्थान की भारती जो थी इसका जो है नीचे से पोजिशन सबसे पहले ऊपर से कितना
26 था, इससे 8 स्थान आगे था, ऊपर से कितना 18। अब कोई विद्यार्थी है यदि ऊपर से रैंकिंग दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी दिया हुआ और नीचे से पूछे, हम क्या करते हैं, कुल विद्यार्थी में जितना ऊपर से दिया रहे उसमें घटा के और एक क्या करते हैं, जोड़ते हैं। 42 में 18 गया कितना 24, पलक एक कितना 24 एक 25। क्यों, अब इसका रीजन क्या है, तो छोटा सा उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए 5 विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट कितना 5। अब क्वेश्चन बोले ऊपर से यदि कोई विद्यार्थी कर रहे हैं कि 2 था, मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 विद्यार्थी है। अब बोला एक ही विद्यार्थी जो इसका रैंक ऊपर से कितना 2 और टोटल विद्यार्थी कितना था 5, बोलेगा नीचे से कितना, हम क्या बोले, हम बोले जितना टोटल विद्यार्थी है उसमें जो ऊपर से रैंक दिया गया उसको घटा दें और एक जोड़ दें। 5 में 3 गया, 5 में 2 गया 3, और 3 है कितना 4। अब रैंकिंग देखते हैं 1 2 3 कितना 4। हम क्या सीखे, हम सीखे यदि टोटल विद्यार्थी दिया रहे और ऊपर से यदि दिया रहे या नीचे से दिया रहे तो टोटल विद्यार्थी में घटा के एक जोड़ देंगे, मेरा नीचे से निकल जाएगा, यदि ऊपर दिया रहेगा क्या निकल जाएगा। आगे क्वेश्चन है, बोला हार्वेस्ट को ही लिखा जाए तो बोला फार्मर को क्या लिखा जाएगा, तो हार्वेस्ट को पहले नंबर लिखेंगे HARVEST, इसका नंबर 8 1 18 22 5 19 और इसका कितना 20। क्या क्या लिखा हुआ था, VUGXTCJ, इसका जो जो नंबर था हम पहले नंबर लिखते हैं क्या क्या स्थिति था। ये कितना नंबर हो गया, बी का नंबर हो गया मेरा कितना 23, 22 यू का 21, उसके बाद जी 7 कितना एक्स 24, 20, 3 और कितना 10। क्या क्या स्थिति हो रहा था इसको गौर से हम देखेंगे, इससे रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ 8 था, यहाँ कितना था 22, 1 22, इसमें हम रिलेशन निकालते हैं, कैसे रिलेशन, यदि इसमें रिलेशन मेरा निकल जाएगा तो इसी ढंग से हम किसको निकालेंगे, फार्मर को निकालेंगे। इसमें हम देखेंगे आखिर वो क्या क्या रहा था जो कि पकड़ में आ जाए, यहाँ 8 था, इसके नजदीक वाला कोई था, यहाँ 8, यहाँ कितना था 10 नंबर था, यहाँ 1 था, यहाँ कितना था 3, 18 था, यहाँ पीछे कितना था 20, क्या कुछ पकड़ में आ रहा था। हम देखे ये शुरू वाला था, इसका कनेक्शन कहाँ से था, लास्ट से था, कितना बढ़ा के 2 बढ़ा के, कहने का मतलब पहला लेटर था ये पीछे 2 बढ़ा के लिखा, फिर इधर से आगे गया पीछे बढ़ा के 2 लिखा, 18 था फिर बढ़ा के कितना लिखा 20 लिखा, फिर 22 था कितना लिखा 24, 5 था कितना 7, 19 था कितना 21, 20 था कितना 22। यही चीज हमको पकड़ना है, कहने का मतलब ये जो वर्ड लिखा हुआ था ये शुरू से था, पीछे से हम लिख रहे थे कितना कितना बढ़ा के 2 बढ़ा के लिखे थे, या दूसरा जो था इसका जो अंतिम लेटर था, अंतिम लेटर का जितना नंबर होगा ये 2 बढ़ाते जा रहा है, इधर से पीछे से आगे बढ़ना है, इधर से आगे बढ़ना, देखो यहाँ सबसे लेटर लास्ट लेटर कितना था 20, यहाँ कितना लिखा 22, यहाँ 19, यहाँ 21, 5 7, इसी ढंग से हम लिख रहे हैं FARMER, तो F का नंबर 6 1 18 13 5 और कितना 18, इसका हम क्या आंसर करेंगे, सबसे लास्ट जो 18 था, 18 का मतलब कितना 20, 2 बढ़ा के, यहाँ 5 का कितना 7, 13 कितना 15, 18 का कितना 20, 1 का कितना 3 और 6 का कितना 8। अब इसमें जो मेरा सूटेबल आंसर है, जैसे 20 का मतलब कौन सी टी, तो ई छट गया, ई छट गया, ई दोनों में है, अब टी जी ओ इसमें 20 को देखने का काम है, फिर टी था, केवल इससे पकड़ में आएगा, यहाँ मेरा 3 नंबर था, 3 नंबर का मतलब कौन सी आंसर। आगे आगे क्वेश्चन है, बोला 400 को 20 लिखा है तो 484 को क्या लिखेंगे, तो आराम से बना सकते हैं, 400 का वर्गमूल कितना 20, वर्गमूल क्या है 484 का वर्गमूल कितना 22, आंसर आने का। अगर क्वेश्चन एक संख्या में दिया गया संख्या गायब है, इस संख्या जो दिया होता है बोला ये जो वाट है इसके जगह में क्या भरा गया, मान लिया यहाँ 2, यहाँ 7, यहाँ 27, यहाँ 107, हमको रिलेट करना है आखिर हो क्या रहता है, यहाँ 2 था, यहाँ 7, तो इधर हम यदि रिलेशन करते हैं तो 4 गुना करके कितना दिया 1 का, फिर यहाँ 7 28 मतलब 7 6 28 1 का, फिर 27 6 कितना 108 में 1 का कितना 107, फिर इसको भी तो सब में हम 4 से गुना करके 1 घटाया, इसको भी 4 से गुना करके 1 क्या कर देंगे घटा देंगे, इसको 4 से गुना करेंगे 7 6 28, 4 2 8 2 10, 4 6 16 तो कितना 1808 में 1 घटाएंगे कितना 7 6 28, बाकी 4 2 8 2 10, बाकी 4 6 16 कितना 17, 1708 में 1 घटाएंगे 17 से कितना 7, आंसर। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम कहा जाए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो ये मेरा ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, इधर हो गया पश्चिम पूर्व, और इधर क्या हो गया
पश्चिम। क्या बोला था? बोला उत्तर पूर्व को, उत्तर और पूर्व मतलब ई डायरेक्शन को, ई कोना को, क्या बोला? बोला ई कोना को बोला उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। ये ई डायरेक्शन था, ये कहां हो गया? पश्चिम हो गया। इसका मतलब घर यहां था, कितना डिग्री घुमाया उसको डॉक्टर, कितना सा घुमाया था? तो 45 डिग्री। और इतना सा घुमाया था और कितना डिग्री? 90। मतलब 90 45। इसका मतलब कितना डिग्री घुमाया? 135 डिग्री। किस डायरेक्शन में? घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में। तो जो क्वेश्चन बोलेगा उसको भी हम 135 डिग्री घुमाएंगे। क्वेश्चन बोला ऐसा कीजिए तो हमको बताइए कि इस प्रकार पश्चिम क्या होगा, ये पश्चिम डायरेक्शन है इसको घुमाएंगे 135 डिग्री में क्या होगा? यदि 90 घुमाते तो यहाँ आता, और थोड़ा सा इसका काम पकड़ के घुमा देंगे 30 डायरेक्शन में आ जाएगा। इतना सा 90 और 45, इसका मतलब ये कौन डायरेक्शन? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और, दक्षिण और पूर्व। जिस ऑप्शन में मेरा दक्षिण और पूर्व है वही मेरा क्या गया? आंसर हो गया। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है ए बी का पुत्र है, तो यहाँ ए को रखते हैं, बोला बी का पुत्र है तो बी को यहाँ रख दिए और ए को यहाँ कर दिए। जैसे बेटा होगा तो नीचे, पिता माता होगा तो उसको ऊपर। क्या बोला? बोला बी ए का पुत्र है, ये बी है ए का पुत्र, पुत्र का मतलब मेल हो गया, प्लस कर दिए। बोला जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है, बोला बी और सी भाई बहन है, एक समांतर बराबर बी और सी क्या है? बहन है। इसका मतलब ई भी फीमेल है और ई भी फीमेल है, क्या कर लिए? माइनस कर दिए। बोला ई सी की माँ है, ई जो है सी की मम्मी है, ई जो है सी की मम्मी है, मम्मी का मतलब एक स्टेप ऊपर जाना, तो ई जो है सी की क्या है? मम्मी है, तो मम्मी मतलब फीमेल से एक स्टेप कहाँ कर लिए? ऊपर। आगे बोला डी ई का पुत्र है, बी जो है ई का पुत्र है, ई यहाँ है, इसका बेटा कौन है? बोला डी ई का पुत्र है, मतलब डी जो है ई का पुत्र है, मतलब एक स्टेप नीचे कौन? डी। मतलब ई पुत्र है, क्या कर दिए? प्लस कर दिए। अब क्वेश्चन बोला ये चारों कथन में कौन कथन सही है? पहला क्वेश्चन बोला डी जो है ए का मामा है, ए यहाँ है। बोला डी जो है ए जो है डी जो है ये जो डी है क्या ए का मामा है? एक मम्मी, मम्मी की बहन कौन? मौसी हो गई। और इसका एक भाई था, मतलब बता मम्मी का भाई, तो मम्मी का भाई कौन कर रहा है? मामा। यहाँ क्वेश्चन पूछा था डी ए का मामा है, तो मामा है, यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। मम्मी का भाई कौन? मामा। आगे चलो, आगे क्वेश्चन है ये श्री दिया था, बोला आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए कौन जो है अंग जो है अपरिवर्तित हो। अपरिवर्तित का मतलब चेंज नहीं होगा। आरोही क्रम में सजाना, जो डायग्राम दिया हुआ था इसको आरोही क्रम में सजाते हैं। सबसे पहले कौन? एक। उसके बाद कौन? दो। उसके बाद कौन? तीन। उसके बाद कौन? चार। इसके बाद और क्या दिख रहा था? पांच। इसके बाद क्या दिख रहा था? छह। सात था, सातवीं था। उसके बाद आठवीं था, आठवीं लिख दिए। उसके बाद क्या था? नौ था। अब क्वेश्चन बोला कि ये जो अंग था इसको आरोही क्रम में सजाइए और कौन स्थान चेंज नहीं किया। देखो यहाँ पांच था, एक हो गया, ये चेंज कर दिया, ई चेंज, ये तीन यहाँ भी तीन, ई चेंज नहीं किया। चार था, ये भी चेंज नहीं किया, ई चेंज कर दिया। यहाँ छह एक हो गया, सात नौ हो गया, आठ दो हो गया, नौ सात हो गया। तो क्या को स्थान अपरिवर्तित मतलब चेंज नहीं किया? क्या को बोला स्थान कौन अपरिवर्तित रहेगा? तो क्या को दो ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीध में खड़ा है। बोला डी जी के दाएं खड़ा, डी को खड़ा कर देते हैं जी के दाएं, ठीक है, जी के दाएं कौन खड़ा है? डी। डी जो है जी के दाएं खड़ा है, ठीक है। बोला सी जो है, सी जो है ए और बी में, ए और बी के क्या कर दिए? बीच में खड़ा है। बोला ई जो है एफ और डी के बीच में, क्या बोला? ई जो है एफ और डी, तो डी यहाँ है था, तो बोला कि एफ और डी, एफ और डी के बीच में कौन है? ई है। आगे बोला जी और बी के बीच में तीन आदमी होना चाहिए, तो जी यहाँ है और बी यहाँ, इसके बीच में क्या आदमी होना चाहिए? तीन बार। और एक दो तीन चार पांच छह सात आदमी सेटल गया मेरे पास, सात होगा, सात आदमी, इसका मतलब कोई छुट्टा नहीं है, सातों आदमी सेटल करके बोला सबसे बाएं छोर पर, तो सबसे बाएं छोर पर कौन? जी। इसका मतलब क्या हो गया? जी। हम